खरगोन शहर में संचालित सहारा कोऑपरेटिव बैंक एजेंट पर अमानत में खयानत के मामले सामने आने लगे हैं। बुधवार को बनहर निवासी एक नेत्रहीन दंपत्ति ने 76,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एजेंट उन्हें राशि लौटाने के बजाय मारपीट कर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। शिकायतकर्ता जगन्नाथ भालसे ने एएसपी से मुलाकात कर उन्हें बताया कि उन्होंने सहारा कोऑपरेटिव बैंक के एजेंट राधेश्याम रोकड़े के जरिए 55,000 रुपये वर्ष 2015 में डाइवर्शन रोड स्थित शाखा में जमा कराए थे। रोकड़े ने उन्हें 5 साल बाद यानी वर्ष 2020 में उक्त राशि ब्याज सहित 76,000 रुपये देने का वादा किया था। अब समय सीमा पूरा होने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। संबंधित एजेंट राशि सहित बैंक पर कार्यवाही करते हुए उन्हें राशि दिलाई जाए। एएसपी ने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये लेके आया कि जो सहारा बैंक है ना, उसका एजेंट राधेश्याम रोकड़े, ज्योति पति राधेश्याम रोकड़े, पैसे मैंने जमा थे सर 55,000 रुपये। 5 साल की आईडी थी, तो आईडी पकने के बावजूद पैसे मांगने गया तो दे नहीं रहा और मार देने की धमकी दे रहा है मुझे। बोले खरगोन में दिख मत जाना। कितने पैसे हैं आपके? मेरे 55,000 रुपये जमा हो चुके थे, 60,000 रुपये जमा होने थे, 55,000 रुपये जमा होने थे, तो उसने बोले कि 5,000 रुपये इकट्ठे जमा करके 60,000 बन जाएंगे, उसके बाद में 77,000 तुम्हारे निकल आएंगे, मैं घर आके दूंगा। मैंने बोला कि भाई देख, हम दोनों पति पत्नी अंधे हैं, नेत्रहीन है, हमारे पास कोई सहारा नहीं, हम कहाँ जाएंगे लेने के लिए। बोले नहीं, मैं खरगोन से इंदिरा नगर से आऊँगा और तुम्हारे घर बैठे जैसे पैसे लेने आ रहा हूँ, पैसे देने घर आऊँगा। तो अभी बैंक बंद है क्या? बैंक बंद हो गए सर, वो कहने जाता हूँ उसको तो धमकी दे रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।